पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और आज का इलेक्शन पोस्टपोन किया। तो उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जमहूरी पार्टियाँ बनी हुई हैं और अपने आप को ये जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो रेशियो बताई गई है मैंडेट के मुताबिक आपको रिजर्व सीट मिलने की, तो वो इनका हक नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को जमहूरी कहने वाले पराई सीटों पर इस तरह बर्जुमान होकर डाका मारा है इन्होंने मिल के सिस्टम के साथ, तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि हमें अवाम ने वोट दिया है इस आइन की पासदारी के लिए, इस आइन की हिफाजत के लिए, और हमें अवाम ने वोट दिया है कि उन्होंने जो मैंडेट हमें दिया है हमने उसको भी उसकी हिफाजत करनी है। किसी भी सूरत में ये जेली रिजर्व सीट्स को हम हल्फ नहीं लेने देंगे, ये क्लियर मैसेज है। और मैं ये सबको बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है और बार बार इस आइन को तोड़कर एक गलत रिवायत कायम की जा रही है, इससे इज्तनाब किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, हमारी कौम के लिए बेहतर नहीं है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, हमारे ऐवान हमारी पार्लियामेंट के लिए बेहतर नहीं है। पहले 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए, इस मुल्क के आइन को तोड़ा गया, उसके बाद से कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है आइन को तोड़ने का। और आज ये हालत है कि जब वज़ीर आला मुंतखब हुए बगैर रिजर्व सीट्स के, सदर मुंतखब हुआ बगैर रिजर्व सीट्स के, तो आज किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया है? और अगर ये समझते हैं कि हम अपने मौके से पीछे हट जाएंगे, अपने नज़रिए से पीछे हट जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। इंशाल्लाह अपने नज़रिए पे हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी ख़वातीन के लिए, क्योंकि इन ख़वातीन का जिस पार्टी से ताल्लुक़ है लोगों ने मैंडेट दिया है उनको, और हमारी अकलियतों के लिए इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। इसके अलावा हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हमने कुछ करारदादें पास की हैं, और जैसे ही हमारा असम्बली का इजलास आएगा इंशाल्लाह उस पर भी ये करारदादें हम पास करेंगे, और हम ये इंश्योर करवाएंगे कि हम जो करारदादें पास कर रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये हमारा कानूनी आइनी हक है और हमें हक दिया जाए। सबसे पहले साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, और साइफर के नाम पे जो एक चीज़ जिस आज तक एक मुतनाज़ा बना हुआ है, इसका लेटर जब हमारी हुकूमत मौजूद थी हमने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, और एक मुतनाज़ा चीज़ बनी हुई है। कहते हैं कभी साइफर है नहीं, कभी कहते हैं मदाखलत है, इसके ऊपर एक कमीशन बनाकर, जुडिशल कमीशन बनाकर इसको पूरी कौम के सामने वाजे किया जाए ताकि ये लोग एक्सपोज हों कि इसके पीछे कौन था। उसके अलावा 9 मई में जो कुछ हुआ कौम के सामने लाया जाए। हमने 12 डिमांड की, आज हमने करारदाद मंजूर की पार्लिमानी पार्टी से कि 9 मई के अंदर सबसे पहले उसका फ़ायदा किसको हुआ, उसका नुकसान किसको हुआ और किसके लिए किया गया। और एक लंदन प्लान जो इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था, ये उस लंदन प्लान की वही कड़ियाँ हैं जो खान साहब ने वादे की थी कि इसी तरह किया जाएगा मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ, ये उस प्लान का हिस्सा है। 9 मई के अंदर अभी तक CCTV फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई जा रही हमारी लीडरशिप पे, हमारे कारकुनों पे नाजायज़ जेली पर्चे काटे हुए हैं, जो लोग मौजूद नहीं थे उन पे FIRें कटी हुई हैं, जो लोग मौजूद थे उनके अंदर मेरा एक सवाल है और पूरी कौम को बताना चाहता हूं मैं कि एक शख्स मौजूद है वहां पर और उसने PTI छोड़ दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, और एक शख्स जो मौजूद है और बाहर खड़ा हुआ है वो अभी तक जेल में है, एक औरत एक खातून गाड़ी चला रही है वो जेल में है, 9 महीने जेल में काटे उसने, पूरे पाकिस्तान की जेलों में घुमाया गया उसको, एक छत पे खड़े होकर नारे मार रही है, उसने PTI छोड़ दी, किसी ने उसे पूछा तक नहीं। ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, ये भेड़ बकरियाँ नहीं है, क्या आप इनको बेवकूफ़ बनाएंगे? निज़ाम दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है और मजीद एक्सपोज करेंगे हम इसको। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन का हम बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं बनाया जा रहा, बनाया जाए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि मेरे ऊपर जिन जिन जगहों पर FIRें काटी गई हैं अगर इनके पास सबूत मौजूद है मैं बिल्कुल अपने आप को पेश करने की सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे नाम के, हमारे लीडरशिप के नाम के ऊपर पाकिस्तान के शहरों में बैनर अवैध किया गए, गद्दार वतन के फॉल ऑफ शेम, ये कौन डिक्लेयर कर रहा है कौन गद्दार है और कौन वफादार है इस मुल्क का? हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, लेकिन ये जो कुछ हुआ है
इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और कौम के सामने लाया जाए और वो फुटेजेस क्यों नहीं दी जा रही, बताएं कि किसने चलाया, कौन पहले एंटर हुआ। ये सारे जो तरसीबात बताई गई हैं इनके ऊपर फुल सिक्योरिटी है, लेकिन बताया क्यों नहीं जा रहा। बताएं गेट किसने खोला, पहले वहाँ कौन मौजूद था, क्या हुआ उससे पहले, कौन लोग पहले घुसे, किस तरीके से घुसे, सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट की कैमरा गायब है, किसने गायब किए हैं, गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तरीके से, जबकि इमरान खान ने खुद बोला आकर सुबह जाते हुए कि अगर मेरे पे गिरफ्तार करना है मुझे तो मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, कोई ऐसी हरकत ना की जाए जो पहले की और घर पर हमला कर दिया और 48 घंटे तक वहाँ पर एक फसाइत की गई जमान पार के ऊपर। उसके बावजूद इस तरीके से क्यों गिरफ्तार किया गया खान साहब को, किसने गिरफ्तार किया, और वो फुटेज कहाँ हैं, वो कैमरे कहाँ हैं, कहाँ चले गए, किसने कैमरे चोरी किए, हाई कोर्ट जवाब दे इसका। अब जो जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है, ये लेटर अभी का नहीं है, ये वो एक सिरसा जो चल रहा था हमारे खिलाफ, ये उसका लेटर है। ये बहुत जगहों पे जो फैसले हमारे खिलाफ किए गए, हमारे लीडर इमरान खान के खिलाफ किए गए, ये उसकी एक कड़ी है। उन्होंने मान लिया है कि हमने फैसले मेरिट पे नहीं किए, कानून के मुताबिक नहीं किए, बल्कि दबाव में आके किए हैं, और सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान जस्टिस बशीर 4 दफ़ा वो हेयरिंग के दौरान जाके डॉक्टर से चेकअप करा रहा है अपना, अडियाला के रिकॉर्ड पे है, चेक कर लें आप, क्यों, क्या प्रेशर था उसके ऊपर कि वो डॉक्टर को चेकअप करा रहा है ड्यूरिंग हेयरिंग 4 दफ़ा। जज साहिबान कह रहे हैं कि हमें प्रेशर है, हर जगह पे कह रहे हैं प्रेशर है हमें, इसके ऊपर फुल बेंच बनना चाहिए और कौम में रिसाला चीरो से साहब आप कहते हैं कि मीडिया पे लाइव आना चाहिए, इस केस को लाइव आना चाहिए, पूरी कौम की ये डिमांड है कि ये लाइव केस आए और ये सुने कि अगर हमारे कानून बनाने वाले इदारे, कानून का तहफ़ करने वाले इदारे ये कह रहे हैं कि जी हमारे फैसले हमसे ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं, तो ये इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ मजाक है। हमने एक्सपोज करना है इस चीज़ को, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें लोगों ने जो वोट दिया है वो दिया है कानून साजी के लिए, आइन के तहफ़ के लिए, लोगों के तहफ़ के लिए, उनकी जान और माँ के तहफ़ के लिए। ये हालात जो नज़र आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इसमें तहफ़ कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और फुल बेंच बिठाया जाए, सॉरी इसके ऊपर फुल बेंच, और वो ट्रायल जो है वो ट्रायल लाइव दिखाया जाए पूरी कौम को। कितने और जजेस भी आएंगे, कमिश्नर साहब कहाँ हैं रावलपिंडी वाले, कोई ये सवाल कर रहा है। एक बंदे ने कहा कि मुझसे धांधली कराई गई, मुझसे फॉर्म 45 चेंज कराया गया, उस बयान के बाद वो गायब है, और एक अजीब मजाक शुरू है इस कौम के साथ। ये कहा जा रहा है कि जी वो दिमागी मरीज है, 2 महीने पहले आपका चीफ मिनिस्टर वहाँ का, आपके बड़े बड़े लोग उसके बेटे या बेटी की शादी में पहुँचे हुए हैं, दिमागी मरीज के बेटे और बेटी की शादियों पर आप घूमते हैं, या एक दिमागी मरीज को आपने पिंडी जैसे इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे कमिश्नर बना के रखा हुआ है, ये आपकी परफॉर्मेंस थी, ये आपकी टैलेंट कमेंट थी जो आपने बनाई थी। पीटीआई का तो वर्कर फेसबुक पे पोस्ट करता था, आप उसको पकड़ लेते थे, इतनी तेजी आप दिखा रहे थे। जितना जोर पीटीआई के खिलाफ लगाया गया है, खुदा की कसम अगर इसे 5% जोर भी इस कौम के लिए लगा लिया जाए तो नहीं इस कौम में दहशतगर्द बचेगा कोई हमारे मुल्क में, न मनशियात फिरोज बचेगा, न जेब कुतरा बचेगा, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई छोड़ दो, आओ फरिश्ते बन जाओ। अब गुलामी, इमरान खान जो कहता था बार बार कि हम गुलाम हैं, शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आती होगी, आज मैं कौन को बता रहा हूँ कि ये कहता था इमरान खान कि आप गुलाम हैं, कि आपको जब कहा जाएगा कि इस पार्टी का आप झंडा नहीं लगाओगे, आप इस पार्टी को वोट तक नहीं दोगे, आप इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहोगे, आप इस पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनोगे, यही गुलामी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम गुलाम बन जाएं तो ये हालात जो चल रहे हैं, फिर हमारे बच्चे शायद गुलाम से कोई बदतर कोई स्टेज कोई कैटेगरी आएगी वो बनेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम स्टैंड लेंगे, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। हम इस्लाम को ठीक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और कर्जदार जो हमने मंजूर की वो है 8 फरवरी, बदतरीन धांधली हुई है तारीख की, बदतरीन धांधली। जितने इदारे हमारे पाकिस्तान के इलेक्शंस को आज से नहीं बहुत पहले से बैन अवी इदारे जो मॉनिटर कर रहे हैं, सब ने कहा है कि बेजाबतियाँ हुई हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, फॉर्म 45 मौजूद है, और एक हमारे उम्मीदवार के पास नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग थे उनके भी पोलिंग डेट्स वहाँ मौजूद है। फॉर्म 45 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 47 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 49 की कहानी कुछ और है।
मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं जो फिगर बता रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर है, 25 सीटें टोटल जीती है नून लीग पंजाब असम्बली की। मैं 24 नहीं कह रहा, मैं 26 भी नहीं कह रहा, मैं 25 कह रहा हूँ। मरियम नवाज जो वजीर आला बनी है सिर्फ 25 सीटें के ऊपर ही बनी हुई है। पीपल्स पार्टी ने टोटल पूरे मुल्क में 13 MNA जीते हैं, उनमें मेरा एडी खान का भी जीता हुआ है। मैं मानता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, वो जीता है, वो फॉर्म 45 वाला है, लेकिन 13 हैं टोटल इनके पूरे पाकिस्तान में नून लीग के टोटल 17 है मैंने यहाँ फॉर्म 45 वाले। जब मैं 17 मानता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वो भी मान लूँ, ना मैं 16 कह रहा हूँ ना मैं 18 कह रहा हूँ, 17। ये हुकूमत है, ये हालत है मैंडेट की। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया और इतने इतने वोटों वाले, अगर किसी को इस बात पर शक है तो बुलाएं आर ओस को, हमारे फॉर्म 45 के केसेस लगे हुए हैं ट्रिब्यूनल में, बिठाएं सामने, चेक करें, हल्फ रखें, इन आर ओस को भी बिठाएं, फॉर्म 45 को टैली करें, अगर ये गलत साबित हो जाए मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, और जो फिगर बता रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, एक भी इधर उधर नहीं होगा। इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, ये ज्यादती, ये डाका जो लगा है इसके ऊपर फैसला आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। ये नहीं कि ट्रिब्यूनल में चला गया और 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में फिर यही बातें होंगी कि फिर किसी और का मैंडेट चोरी होगा। और ये जब हमने EVM के थ्रू इलेक्शन की करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में, आप सब गवाह हैं इस बात के, ये सारी पार्टियां मुखालिफ थी, आज सामने आ गया कि ये लोग चाहते हैं कि धांधली हो, और अगर धांधली खत्म हो जाएगी तो ये प्लांटेड लोग, सेलेक्टेड लोग नहीं आ सकते, नहीं बिठाए जा सकते, और हमारे पे बिठाए जा रहे हैं। और इन्होंने जो तबाही मचाई है इस मुल्क की आज तक, उसके जिम्मेदार हैं। आज इमरान खान को हटाया गया, आप उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देखें, खाने पीने के शाह का रेट देखें, घी का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, बिजली का यूनिट का रेट देखें, कहाँ पहुँच गया, क्योंकि नालायक लोग थे, इलेक्टेड नहीं थे, साजिश के तहत आए थे, ये उनकी परफॉर्मेंस है, फिर उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया बगैर मैंडेट के। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके ऊपर हमारी ये करारदाद पास हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असम्बली का जब इजलास बुलाएंगे तो वहाँ पे भी पास करेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,